जो मेन कैरेक्टर है वो ये है ग्लास। यहाँ पे है मेरे पास छोटा सा ग्लास। ये ग्लास किस चीज का है, वो है एक वॉल क्लॉक था मेरे पास, छोटी सी वॉल क्लॉक, उसका ये ग्लास है। वॉल क्लॉक तो खत्म, वॉल क्लॉक का जो हाल है वो तो खराब हो चुकी है, कबाड़ खाने में गई है। अभी हमारे पास जो बची है वो है ये ग्लास। सो ये बहुत छोटी सी ग्लास है, बहुत बड़ी भी ग्लास थी। सो इस ग्लास पे मैं कुछ सोच रहा था कि क्या करूँ, कैसे करूंगा। बाद में मुझे एक आइडिया आया कि मैं इस पे एक टेप पेंटिंग कर सकता हूँ। टेप पेंटिंग मैंने कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज पे देखे थे कि टेप पेंटिंग करके भी कुछ होता है, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे इंस्टाग्राम थ्रू पता चला, क्योंकि ना मुझे कुछ पता नहीं रहता ना, तो मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, वहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया सर्च करता हूँ और मुझे वहाँ पे पता चला कि टेप पेंटिंग करके भी कुछ होता है। तो मैंने सोचा कि यार टेप पेंटिंग ट्राई कर लेते, हुआ तो सक्सेसफुल, नहीं हुआ तो ठीक है। तो मैं आज करने वाला टेप पेंटिंग। सो यहाँ पे ग्लास जरूरी है टेप पेंटिंग के लिए, और कुछ मेरे पास मास्किंग टेप भी है। और टेप पेंटिंग की मेन जो चीज़ होती है वो है यहाँ पे लाइट्स। सो यहाँ पे है मेरे पास LED लाइट्स, कुछ बैटरीज, कुछ अडेप्टर, यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ बटन। सो यहाँ पे मेरे पास सब कुछ एकदम चमकाने वाली चीज़ें, और यहाँ पे मेरे पास ये ग्लास जिस आर्टवर्क बनाने वाले, और यहाँ पे जो टेप से टेप आज हमारा कलर जैसे काम करेगा। सो आज के आर्टवर्क का तो बता दिया मैंने क्या क्या करने वाले, तो आर्टवर्क को शुरू करते हैं। ऑल राइट, सो अभी अपना आर्टवर्क शुरू करते हैं। तो ये है मेरे पास ये ग्लास, और ये कुछ मास्किंग टेप, ये बैटरी, ये अडेप्टर, ये ऑन ऑफ स्विच, और ये कुछ LEDs ऑन करके बताता हूँ। ये कुछ ऐसा येलो ब्लब है इसके अंदर, और ये है कटर, बहुत ही शार्प है। और ये सब चीज़ों के लिए नहीं, ये कटर बहुत यूज़ आता है छोटे छोटे काम करने के लिए, डिटेल वाले फॉग। ऑलराइट, सो ये सब आ चुका है हमारे पास, तो मैं सब साइड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया ग्लास और मास्किंग टेप। तो मास्किंग टेप में अभी इस पे लगाते जाऊँगा एक एक स्ट्रिप, क्योंकि ना अभी पेस तैयार करना है, तो मैं एक एक लाइन ऐसे मास्किंग टेप की लगाते जाऊँगा। ऑलराइट, सो ये हो चुका है रेडी। और यहाँ पे मैंने ना बेंच पे भी स्टिक करके रखा, क्योंकि ग्लास हिले नहीं और अपना आर्टवर्क आसानी से हो जाए, सो ये इसके लिए। तो अभी अपना जो डिज़ाइन है वो शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया पेंसिल, अभी मैं अपना जो डिज़ाइन है शुरू करता हूँ। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, एक छोटा सा सीनरी बना रहा हूँ मैं, एक माउंटेन, एक छोटी सी नदी, दो तीन पेड़, एक छोटा सा घर, थोड़े बहुत बुशेस, ऐसा एक छोटा सा सिंपल सा सीनरी है। क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ तो थोड़ा हार्ड ही, थोड़ा सिंपल बनाता हूँ, अच्छे से भी कर पाऊँगा और अपना काम भी हो जाएगा। धीरे धीरे हम अच्छा अच्छा अट्रैक्टिव आर्ट ड्राइंग करते जाएंगे। ऑलराइट, सो ये नदी भी बना लिया मैंने, और कुछ छोटे छोटे से क्लाउड्स भी बना रहा हूँ, और ये हो चुका है रेडी। ऑलराइट, सो ये अपना आर्टवर्क रेडी हो चुका है। तो अभी हम करेंगे अपना जो टेपिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो। तो उसके लिए ना टेप ना लेयर वाइज लेयर लगाओगे ना तो डार्कनेस बढ़ता है। ओके, सो हम ना छोटे छोटे पीसेस में टेप कट करेंगे, लेयर वाइज लेयर लगाते जाएंगे टेप, तो कैसा एक शेड बन जाएगा। जितना लाइट शेड चाहिए उतना कम टेप यूज़ करेंगे, जितना डार्क शेड चाहिए उतना ज़्यादा टेप हम यूज़ करेंगे। सो मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपना प्रोसेस। ओके, अब हम यूज़ करेंगे अपना कटर। कटर ना ये मतलब टेक्निक होती है यूज़ करने की, मुझे भी इतनी टेक्निक मालूम नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत सा यूज़ करना आता है, मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता सकता हूँ कि इसे कैसे कट करना है, कैसे यूज़ करना है, क्योंकि मैं इतना प्रो नहीं हूँ इस काम में। ओके, सो ये अपना कटिंग वाला प्रोसेस अभी चल रहा है, ख़त्म होने आ गया, मतलब कि ऑलमोस्ट ईजी है, मतलब इतना हार्ड नहीं। सिर्फ डिफ़िकल्टी जो होती है ना वह कट करने में, बाकी प्रोसेस पूरा ईजी हो जाता है। ऑलराइट, सो ये भी हो चुका है अपना कम्प्लीट, और ये कुछ ऐसा लग रहा है। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने अपना जो आर्ट वर्क है वो बना के रेडी कर लिया है, मतलब कि टेपिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो ग्लास है ना वो वॉल क्लॉक का ग्लास है, और उस क्लॉक को मैंने अच्छा हुआ कबाड़ी में नहीं दिया, क्योंकि ना मुझे यूज़ करना है इस क्लॉक को, मतलब इस पीस को भी मुझे यूज़ करना है, मतलब कि ये जो वॉल क्लॉक होने वाला है ये रिसाइकल वाला वॉल क्लॉक, मतलब हर एक पार्ट इसका यूज़ आने वाला है। जैसे कि ये फ्रेम यूज़ आने, फ्रेम बहुत ऐसे टूट चुकी है, बट मैं इसे गम से चिपका दूंगा, और यहाँ पे अभी ग्लास लग जाएगी, और फिर इसके अंदर लग जाएगी ये LED, और फिर इसके पीछे ये जो मैकेनिज्म मैं निकाल डालूंगा, इसके पीछे ये भी मैकेनिज्म निकल जाएगा, फिर यहाँ पे लग जाएगी बैटरी, ये अडेप्टर, मतलब ये जो फ्रेम है ना बहुत काम आने वाली है। और फेक तो दिया था, बट
मैं फिर से लेके आया, क्योंकि मुझे ना तभी पता नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, मतलब पता ही नहीं था ना कि ऐसा कुछ करने वाला। कल मैंने सिर्फ इस ग्लास को संभाल के रखा था कि कभी काम आ जाएगी, कभी कुछ शूट में काम आ जाएगी, तो इसके लिए मैंने उस इंटेंशन से संभाल के रखा था। बट मुझे पता नहीं था कि मैं DIY बनाऊंगा और DIY में इसका भी काम आएगा। सो या ये जो DIY होने वाली, ये मतलब ये जो पूरा वॉल क्लॉक है ना, पूरा रिसाइकल करेंगे और अच्छा शो पीस बनाएंगे इससे, मतलब कि एकदम देखने लायक होगा और आप इसे हैंग कर सकते हो। मतलब कि ये जो इसका बेस्ट पार्ट है ना, कि आप पीछे यहाँ पे दिख रहा है, इससे ना आप हैंग कर सकते हो वॉल पे कुछ इस तरह से, एंड फिर इसे ऐसा रख भी सकते हो। यहाँ पे पीछे स्टैंड दिया तो इसे रख भी सकते हो। सो DIY होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इसे मिस मत कीजिए, हर एक पार्ट देखिए। सो अभी हम क्या करते हैं कि इसे साइड में रखते, क्योंकि इसका काम हो चुका है, तो मैं इसे रख देता हूँ साइड में। अब ये जो मेन पार्ट है इसका काम करते हैं, तो अभी मैं इसका जो भी मैकेनिज्म है ये सब निकालूंगा और फिर इसे जैसा मुझे चाहिए उस तरह से बिल्ड करूंगा। सो अभी अपना जो काम है वो शुरू कर से। ओके ऑलराइट, सो अभी मैं आपको फ्रेम बताता हूँ। ये है फ्रेम, इसकी बैक कंडीशन, और ये आगे से कुछ ऐसा दिखता है। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो फ्रेम के स्क्रूज़ है ना, उसे लूज करके निकाल देंगे और अपना जो फ्रेम है उसे ओपन कर देंगे कम्प्लीटली। तो मैंने स्क्रू निकाल दिया इसके, और ये कुछ ऐसा लग रहा है। अंदर से फ्रेम को रख देते हम साइड में। ओके, अभी इसका काम अभी नहीं है, बाद में है। और अभी हम क्या करेंगे, ये जो मैकेनिज्म नज़र आ रहा है, ओके, ये जो क्लॉक का, उसे निकालेंगे। सो ये मैकेनिज्म निकालना मैं शुरू कर देता हूँ। ऑलराइट, सो ये तो निकल गया, बहुत इजी था यार निकालना, मुझे लगा थोड़ा बहुत टफ होगा, बट इजी था, ये निकल चुका है। और ये अभी बैक साइड को ना ऐसा राउंड राउंड करके निकाल दूंगा, ये भी हो गया। अभी ये कुछ ऐसा लग रहा है निकाल के, ये मैकेनिज्म, सो वो रख देता हूँ मैं साइड में। ऑलराइट, सो अभी ये जो फ्रेम है ना, मूव करके लिखा हूँ मैं उसे, ऐसे रहने दूंगा, क्योंकि ना अभी इस पर LED लग जाएगा, पीछे बैटरीज लग जाएगी, यहाँ पे ऐसा कुछ मैं बैटरी असेंबल कर दूंगा, ठीक है, ये पोजिशन में। ओके, और फिर उसके बाद ना साइड में मैं स्विच रखूँगा, क्योंकि ऑन ऑफ करने को ईजी हो। ओके, सो मैं ये पोछ लेता हूँ कपड़े से, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल लगी हुई थी फ्रेम को, भी मैं पोछ लेता हूँ इसके भी, तो इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत सी धूल लगी हुई। ओके ऑलराइट, सो ये रहा अपना फ्रेम रेडी है। और अभी अपना जो लाइटिंग वाला प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। बैटरी मैंने कनेक्ट कर लिया यहाँ पे ये अडैप्टर से, और ये अडैप्टर जाकर यहाँ पे स्विच को पूरा सोल्डरिंग हो चुका है एकदम अच्छे से, और ये ऑन कर दिया मैंने। सो ये कुछ ऐसा लग रहा है, इसे ऑफ कर देता हूँ, ये कुछ ऐसा लग रहा है। अभी मैं LED को स्टिक करूँगा, जो इसके पीछे ना 3mm की टेप है, तो इससे आराम से और स्ट्रांगली स्टिक हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने स्टिक कर दिया इस LED को सेंटर में, तो लाइट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो हर एक जगह पे। सो ये काम हो चुका है, ऑन कर पड़ता तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। ऑलराइट, सो ये आपको फ्रेम पता, ये फर्स्ट ब्लू कलर था और फिर मैंने इसे कर दिया अभी ब्लैक, बहुत ही अच्छा लग रहा है ब्लैक कलर में। सो अभी इसे असेंबल करते, तो मैंने इस पर ग्लास लगा दिया, और अभी सब स्क्रू से मैं इसे असेंबल कर देता हूँ, एकदम फिक्स कर देता हूँ। और अभी ये कुछ ऐसा लग रहा है, मतलब अपना जो आर्ट वर्क है वो रेडी हो चुका है, और ये कुछ अभी ऐसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसे ऑन करके बताता हूँ, अभी बहुत लाइट है इसके लिए आपको इसका इफेक्ट नहीं पता चला, मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ और इसका इफेक्ट देख लो बॉस, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार। आर्टवर्क रेडी हो चुका है, दिखाता हूँ, ये रहा आर्टवर्क। यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छी तरह से बन गया, मतलब कि मेरे जो दिमाग में था उसी तरह से ये आर्टवर्क रेडी हुआ है। मतलब कि ये देखो, यहाँ पे पूरा अपना जो सीनरी रेडी है, फिर यहाँ पे जो फ्रेम था वो ब्लू कलर का था, इसे मैंने ब्लैक किया, फिर उसे मैंने क्लियर कोट से मैट फिनिश किया, और बैक साइड देखोगे एकदम क्लियर है, मतलब कि ज़्यादा वायरिंग नहीं है, दो वायर है सिर्फ, यहाँ पे बैटरी, इसका अडैप्टर, यहाँ पे ऑन और ऑफ स्विच बटन। सो इसे मैं प्रेस करूँगा ना, ऐसे आवाज़ आई और ये ऑन हो चुका है। अभी थोड़ा लाइट कम नज़र आ रहा है, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत सारे लाइट चालू है इसके लिए, बट ये जो आर्टवर्क है कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब देख लो, थोड़ी बहुत से झलकियाँ, मैं सब लाइट ऑफ करता हूँ, क्योंकि ना ये आर्टवर्क ना अंधेरे में देखने के लायक ही है, मतलब दिन में तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। और ये जो पेंटिंग है वो आप देख लो अंधेरे में, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने ये जो सीनरी है क्यों बनाया।
कैसा लगा आपको आर्टवर्क जरूर बता कि ये जो आर्टवर्क सिंपल मैंने बनाया, मतलब कि फर्स्ट टाइम आप जो भी करते हो ना एकदम हार्ड मत कीजिए, थोड़ा सिंपल कीजिए, भले आपको अभी थोड़ा एकदम ऐसा लगेगा बट जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे तब आप प्रो लेवल वाले बन जाओगे। तो अभी मैं एकदम स्टार्टिंग बिगनर हूँ, ठीक है, तो मैं इसे मतलब कि नॉर्मल सी मैंने सीनरी बनाई है, इसमें इस लेवल वाला एफर्ट डाला क्योंकि मैंने ये कभी जिंदगी में किया नहीं है। दो तीन ना मैंने इंस्टाग्राम पे ना स्टोरीज देखे थे, ठीक है, और स्टोरीज देखे थे, मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग है, इसे मैं कर सकता हूँ, तो मैंने इस पर ट्राई किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जो चीज़ करते हो भले सिंपल हो बट ना वो अलग ही खुशी होती है उस आर्टवर्क को देख के, वो मुझे अभी हो रही है। सो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग भी क्या क्या अलग अलग तरीके से DIY बना रहे हो। सेम मत बनाओ, आपका खुद का दिमाग यूज़ करो, मतलब कि अलग अलग चीज़ों पे, जैसे कि ये समझो कि यहाँ पे मेरे पास एक कप है, मतलब टूटा हुआ कप है, उसे मैं कैसे रिप्लेस कर सकता है एक शोपीस में, उस तरह से आप अपना दिमाग लगाइए और बनाइए ऐसा आर्टवर्क। यहाँ पे मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे डालता हूँ, आप वहाँ जब बनाओगे आर्टवर्क तो मुझे यहाँ पे टैग कीजिए SD आर्ट को, तो मुझे पता चलेगा सब्सक्राइबर लोग का कितना दिमाग तेज है ये सब DIY में। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं कैसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, और DIY जरूर बनाना और स्टोरी पे टैग भी करना।